हाँ, सपा में जो भी काम हुआ है वो ठेका पट्टा में काम हुआ है और सही काम नहीं हुआ है। वो चाहे बालका इंटर कॉलेज हो, चाहे वो पुल निर्माण हो, नहीं दिया है वो बच्चों को बर्बाद करने के लिए दिया है। लैपटॉप वगैरह जो दे रहे हैं वो बच्चों को बर्बाद करने के, जो माँ है बाप है वो नहीं दे रहे हैं मोबाइल। और समाजवादी पार्टी से अगर लोग लड़ेंगे तब लड़ेंगे तो उनकी मर्जी है, लड़ना तो सबको है, लड़ सकता है, हर कोई लड़ सकता है, लड़ने को कोई रोक पाएगा, लेकिन बीजेपी का ही चेयरमैन बनेगा यहाँ पर। हम लोग जो है गांव-गांव जो नगर पंचायत क्षेत्र है वहां से टहलते टहलते आ गए अयोध्या जनपद में। अयोध्या की अगर बात कर लिया तो प्रभु श्री राम की नगरी है, तो इसी जनपद में एक विधानसभा पड़ती है रुदौली, और रुदौली विधानसभा में एक सुप्रसिद्ध माता का मंदिर पड़ता है कामाख्या भवानी। कामाख्या भवानी माँ कामाख्या भवानी का मंदिर है, तो ये नगर पंचायत हो गया, माँ मतलब कामाख्या नगर पंचायत आ गई, नवसृजित नगर पंचायत है। तो एक गांव है, इसी गांव का नाम है सैमसी। तो सवाल यहाँ दादा लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। दादा सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप क्या नाम है? मेरा नाम उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह है। तो अब आप लोग जो उन्हें कहा नगर पंचायत में आ गए है, तो चेयरमैन की कौन सी पार्टी बनी, भाजपा की सपा के? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पंचम लहराया गया है और यहाँ जो है जनता बोलती कम है लेकिन काम करती है ज्यादा, इसलिए कि यहाँ जो है अयोध्या में हम लोग जुड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम की नगरी है, और यहाँ जो है जो भी निर्णय जनता लेती है वो अच्छा निर्णय लेती है और भाजपा के पक्ष में। नगर पंचायत क्षेत्र में आ गए कामाख्या भवानी, तो बात कर लिया है, तो आप नई हाईटेक सुविधाओं से तो कितना खुश हैं? सबसे पहले तो आप बताइए। हम सबसे ज़्यादा तो बहुत खुश हैं, मुझे अपार खुशी है कि हमारी माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत हुई है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कौन सी पार्टी का चेयरमैन बनेगा यहाँ? पार्टी यहाँ बीजेपी का चेयरमैन बनेगा। बीजेपी का चेयरमैन? क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी ने विकास ही नहीं किया? नहीं, जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं किया, लेकिन हमने देखा है कि विकास हुआ है। क्या किया बीजेपी ने बताइए? बीजेपी ने सबसे पहले तो अच्छा काम ये किया है कि हमारी माँ कामाख्या धाम को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। दादा सवाल हमारा ये है, आपसे पूछ लेते हैं, सत्ता में है बीजेपी इसीलिए तो बीजेपी बीजेपी नहीं कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बीजेपी के जन्मजात बीजेपी के में वोट देते आए हैं, जब पहले संघ रहा चिराग रहा तब भी हम देते थे बीजेपी में, हमेशा हमारे पूर्वज हर। अगर चेयरमैन सपा का बनगा तो? नहीं नहीं, सपा को बनेगा तो बनेगा, लेकिन हम बीजेपी में है बस। आप बीजेपी में रहेंगे? जी, बीजेपी का अगर चेयरमैन यहाँ था बीजेपी का चेयरमैन जीतेगा। और समाजवादी पार्टी से अगर लोग लड़ेंगे तब लड़ेंगे तो उनकी मर्जी है, लड़ना तो सबको है, लड़ सकता है, हर कोई लड़ सकता है, लड़ने को कोई रोक पाएगा, लेकिन बीजेपी का ही चेयरमैन बनेगा यहाँ पर। अच्छा, 100% 100% बीजेपी ने तो विकास ही नहीं किया। विकास खूब किया है, बहुत विकास किया। क्या विकास किया? बहुत, माता जी के यहाँ सब डामर हो गया, सड़कें सब बन गई, बीजेपी की ही देन है जो चल रहे हैं हम। हाँ। और क्या? अच्छा, विधायक से डरते होंगे? नहीं कुछ नहीं, विधायक हम कुछ विधायक नहीं जोड़े, विधायक हमारे घर के कुछ थोड़ों के हम विधायक से डर रहे हैं। हमारे यही लिए आप करो ना बीजेपी का? नहीं, बीजेपी से हाँ, हम लोग हम बीजेपी को देंगे, इतना जानिए बस। अच्छा, बीजेपी के साथ में रहिए? जी जी, साथ है। सपा वाले घर आगे मैनेज हुई कर लिया? अरे माइनेज कौन कर माइनेज कर वो है? अरे कब्बो नहीं, जीवन में कभी भी नहीं माइनेज। साइकिल ना दौड़ी? कब्बो नहीं। अरे दौड़ा के देख ली। अरे अब देख। चलो ठीक है, चलिए आप बताइए। हाँ। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का ही अब चेयरमैन बनी। देखिए, मैं राजनीति से तो जुड़ा व्यक्ति हूँ नहीं। हाँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं? चलिए, हमारे साथ एक गुरुजी हैं, भगवा पहने हैं, तो लग रहा है शायद बीजेपी के साथ ही नहीं हुए। तो गुरुजी सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम? हाँ, अपना नाम बता दीजिए भाई। स्वामी जी योगानंद। स्वामी जी, संतों की सरकार है, अब संती से राय है। एक काम सरकार ने किया कि ना, हमारी माता के यहाँ नगर पंचायत कर दिया, बस इससे खुश हैं। बाकी और बोल दीजिए, क्यों घबरा क्यों रहे, क्या बात है? नहीं, मैं नहीं घबराता। हाँ, तो यहाँ का चेयरमैन कौन बनेगा आप बताइए अपने मुख से? भाजपा का बनेगा। भाजपा का? अंदर से कह रहे हैं कि ऊपर से? अरे अंदर से कह रहे हैं, इनसे बात कर। चलिए, हमको लगता है घबरा रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या है? जी रुचि। सबसे पहले तो आपकी जो आपका गाँव है पंचायत में आ गया है, सब लोगों का कहना कि बीजेपी ने बहुत काम किया, तो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? बहुत किया है सर। समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? जी हाँ। आप लोगों को लैपटॉप दिया होगा समाजवादी ने? नहीं दिया है, वो बच्चों को बर्बाद करने के लिए दिया है। लैपटॉप वगैरह जो दे रहे हैं वो बच्चों को बर्बाद करने के, जो माँ है बाप है वो नहीं दे रहे हैं मोबाइल बच्चों को, और ये सरकार दे रही है। नहीं तो सरकार तो बीजेपी भी तो दे रही है, बीजेपी जी दे रही है, लेकिन क्या करे, वो करे तो क्या करे, वो बहला फुसला रही है, तो करना तो करना है ना। नहीं, जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं उनके पास अगर उनको कंप्यूटर सीखना है, लैपटॉप अगर उनको मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जी हमारे हिसाब से तो नहीं सही है। सब लोग कहना कि बीजेपी ने विकास बहुत किया लाइट वगैरह, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि जो भी काम किया है समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, बीजेपी के लोगों ने सिर्फ फीता काटा है?
जी नहीं, बीजेपी सरकार में जो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर सकती है। हाँ। हमारे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, अब लाइट 18 घंटे रहती है। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में और वहाँ शहरी क्षेत्र में जो है 20 घंटे रहती है। और हमारे यहाँ खड़ंजा वो डामर रोड सब हो गया है, रोड सब अच्छे हो गए हैं। जो विकास का कार्य है वो बीजेपी ने अच्छा काम किया। नगर पंचायत में बीजेपी का चेयरमैन जीते गए हैं। जी जी, यहाँ बीजेपी ही आएगी, हम लोग बीजेपी का ही समर्थन करेंगे। हाँ जी हाँ, सपा में जो भी काम हुआ है वो ठेका पट्टा में काम हुआ है और सही काम नहीं हुआ है। वो चाहे बालका इंटर कॉलेज हो, चाहे वो पुल निर्माण हो, चाहे वो जो है अपना पुल निर्माण किस सरकार में हुआ था? ये सपा सरकार में हुआ था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो, कमाख्या वाला? हाँ, कमाख्या वाला पुल उस समय हुआ था। हाँ। और ये जो सामुदायिक केंद्र बना है इसकी जो है जब हम लोग जाते थे देखने के लिए तो वहाँ जाने नहीं देते थे। जब भाजपा की सरकार बनी तो हम लोग गए डीएम साहब के साथ गए चेक करने के लिए, तो वहाँ एक भी कमरा शुद्ध नहीं मिला, सब जो है जर्जर मिला। तो पुल में सरिया लेकिन दिख रहे हैं? हाँ, पुल जो है भी जर्जर है, वो भी आपके सामने बता रहे सरिया दिख रहे हैं। बताओ रोज झूठ बोल रहे हमसे आप? नहीं, माता जी क्या चल रहा है? जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से नहीं बना है, जिस तरह से बनना चाहिए। हाँ, मानते हैं ना? नहीं बना। हाँ, मानक भ्रष्टाचार हुआ ना? भ्रष्टाचार सपा सरकार में हुआ, खूब हुआ। जब हमारी हुआ रही तो हुआ। सही है। अभी आप बाबा जा रहे हैं तो हम बराबर पुल पर नहीं जा रहे। मार दियो, नहीं तो हम जा रहे हैं। फोटो मांगे लागो आप जो? शुद्ध काम नहीं हुआ। चलो सर, चेयरमैन की क्या बनी हुई है? समाजवादी पार्टी? नहीं नहीं, बीजेपी। अच्छा, चलिए ठीक है, हमेशा बनी है सर। फिर आपको बता दूं कि समैसी की जनता की राय है, समैसी के लोगों का कहना है कि चेयरमैन यहाँ भाजपा के बनी, क्योंकि इनका पता है कहीं बीजेपी चेयर विधायक भी बीजेपी का है, सत्ता भी बीजेपी का। ये लोग बेचारे क्या करेंगे? नवसृजित जो नगर पंचायत उसका पहला चेयरमैन किस पार्टी का बनता है, ये तो देखने वाली बात होगी। डीपीटीवी के लिए सीओ सी।